नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर जबरदस्त क्रेज है। इस मूवी की रिलीज को अब कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे इसकी रिलीज डेट पास आ रही है, फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जवान शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी और सफल फिल्म साबित हो सकती है। इसी बीच फिल्म को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसके बारे में जानकर शाहरुख खान के फैंस खुशी से झूम उठेंगे। किंग खान ने जवान को लेकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जो अभी तक कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं कर पाया है। दोस्तों आपको बता दें, शाहरुख खान की जवान को जर्मनी के लियोबर्ग में एक विशाल अस्थाई आईमैक्स स्क्रीन पंपलेट पर प्रदर्शित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईमैक्स स्क्रीन 125 फीट चौड़ा और 72 फीट ऊंचा है। जवान इस स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी। शाहरुख खान ने शुक्रवार को जवान से अपने 5 लुक की झलक दिखाई थी। उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो अलग अलग 5 लुक में नजर आए। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ये तो शुरुआत है, अन्य के कई चेहरे, ये तीर है, अभी ढाल बाकी, ये अंत है, अभी काल बाकी है, ये पूछता है खुद से कुछ, अभी सब कुछ बाकी है। किंग खान ने अपने इस पोस्ट से फैंस की उत्सुकता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले जब जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ था तो इसमें शाहरुख खान अलग अलग रूप में नजर आए थे। कभी उन्होंने मास्क लगाया था तो कभी चेहरे पर पट्टी और गंजे अवतार में भी नजर आए थे, जिसके बाद फैंस शाहरुख खान के इन अदाओं को देखने के लिए बेताब हो गए। शाहरुख खान की फिल्म जवान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जवान में शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मणि, रिद्धि डोगरा, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू है। वहीं दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म का हिस्सा है, वह जवान में कैमियो करती नजर आएगी। इस फिल्म का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनर बैनर के तले हुआ है। जवान को 300 करोड़ के बजट में बनाया गया है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।